कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को मजबूती देने के लिए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी खुद 3 दिनों से डेरा जमाए बैठे हैं। अपने दौरे के तीसरे दिन आज जहां राहुल गांधी ने रायचूर में एक दरगाह पर चादर चढ़ाकर जीत की दुआ मांगी, तो वहीं एक छोटे से ढाबे में बैठकर पकौड़ा पॉलिटिक्स भी करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पकौड़े पर दिए बयान के बाद ही पकौड़ा राजनीति का केंद्र बन गया है। जिसे देखो वो भजिया तलकर बीजेपी को घेरने में तुला है। अब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पकौड़े बनाकर पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। वहीं आज कर्नाटक में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी भी पकौड़े पर पॉलिटिक्स करते नजर आए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष रायचूर और गुलबर्गा दौरे पर निकले थे। इस दौरान राहुल गांधी एक ढाबे पर सीएम सिद्धरमैया और अन्य नेताओं के साथ मंत्रणा करते दिखे, लेकिन राहुल की बातचीत से ज्यादा उनका नाश्ता चर्चा का केंद्र बना रहा। राहुल ढाबे पर पकौड़े के साथ चाय की चुस्की ले रहे थे। ये वही पकौड़ा है जिसने देश की सियासत में हड़कंप मचाया हुआ है। बीजेपी के गले की फांस बने इस पकौड़े के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष ने भी आज रोजगार को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने मोदी को उनका वादा याद दिलाते हुए पूछा कि आपने कहा था कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, तो क्या हुआ उस वादे का। वैसे पकौड़ा पॉलिटिक्स से पहले राहुल रायचूर में एक दरगाह पर भी पहुंचे थे, जहां चादर चढ़ाकर उन्होंने पार्टी की जीत की दुआ मांगी। इससे एक दिन पहले राहुल ने मंदिर में भी दर्शन किए थे। डीबी लाइव रिपोर्ट।